हुआ है। ये मैं मेरे बिल्कुल स्पष्ट विचार है, मैं खुद बीफ खाता हूँ और मैं खाऊंगा, आपको नहीं खाना मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। दुनिया भर खाती है, अमेरिका बीफ खाता है, यूरोप खाता है, अफ्रीका खाता है, अरब खाते हैं, चीनी खाते हैं, ऑस्ट्रेलिया खाते हैं, वो क्या वो बुरे लोग हैं? आप भी साधु संत हैं, अरे आपको नहीं खाना मत खाइए, मतलब मुझसे क्यों जोर जबरदस्ती कहिए? यहाँ नागालैंड के लोग खाते हैं और मिजोरम के लोग खाते हैं, वो ईसाई है, खाना चाहते हैं, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? ये सब बीफ, गाय एक जानवर है जैसे और जानवर है, घोड़ा है, ये है, ये माता होता मैं नहीं मानता हूँ। कानून बनाने की बात करते हैं, तालिबान के फैसले की तरह जनता ने फैसला करना शुरू कर दिया, बीफ से जिस तरीके से बीफ से मार डाला। हाँ तो बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, ये कोई बात है कि आप किसी को असहाय आदमी को आप पकड़ के मार डाल रहे हैं? इसका जोर सजा होनी चाहिए, बड़ा ट्रस्ट के इसमें सजा होनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या राय होगी इस बीफ वाले प्रकरण में, जिस तरीके से देश में इस तरीके का माहौल बना हुआ? ये सब राजनीतिक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, ये सब ये जनता को बेवकूफ बनाना। अरे आपको नहीं मांस खाना मत खाइए, मैं खाता हूँ और मैं खाऊंगा, आप मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे जबरदस्ती ना करिए। मैं जो माता कैसे जानवर इंसान की माता हो सकती है? कोई अकल नहीं, भेजा नहीं आप लोगों को कि गाय एक माता है, कैसे माता हो सकती है? बेवकूफी की बात है। अगर बात करें आपके क्वेश्चन है की बात करें, उसके परिवार के लोग राजनीतिक लोगों से नहीं मिलना चाहते और बीजेपी के जुड़े हुए लोग कहते हैं इतनी बड़ी घटना को हादसा का स्वरूप दिया, बड़ा दुखी है, मरमाहत है वो परिवार। देखिए यहाँ के भारत के नेता अधिकांश बदमाश हैं, निकम्मे हैं, इनको फांसी लगनी चाहिए। यहाँ के नेताओं ने लूट लिया देश को और बनते हैं जैसे गरीबों के सहानुभूत, मगर हैं सब लुटेरे, और बड़ी जल्दी इनको फांसी लगनी चाहिए यहाँ सब के सब राजनीतिकों को। सरकार सोचे कि बीफ के मामले को इतना बीमार भाई, वो अब आप जानते हैं आज देखिए ये नेताओं से मुझे फिर वो है, मैं इनको बहुत नीच मानता हूँ, ज्यादातर नेताओं को मैं बिल्कुल नीच लोग मानता हूँ जिन्होंने देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। तो आजम खां हो या फलाने हो या ढिकाने हो, मेरी राय इनके बारे में बड़ी नीची राय है। राजनीतिक पार्टियों को इतने बड़े हादसे में उनके घर परिवार जाके नाटक नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं, जा रहे अरे सब नाटक करते हैं, चाहे सब नेता सब यहाँ के चोर हैं, इस देश में हिंदुस्तान को लूट लिया इन लोगों ने, यहाँ इस देश में बगावत आने वाली है, हद हो गई, लूट लिया देश को इन नेताओं ने, बदमाश निकम्मे और लुटेरे ये हमारे नेता बने हैं आज कल सब पार्टी के।